नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया। आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। न्यूज 18 इंडिया की टीम पहुंची है पावन नगरी यानी कि राम जन्मभूमि पर, और कल अलौकिक दिव्य दर्शन होंगे उस क्षण के जिसका इंतजार पूरा हिंदुस्तान कर रहा है। और देखिए, उसकी पूरी तैयारियां इस वक्त राम की पैड़ी में हो चुकी हैं, बस इसमें दिए जलने बाकी हैं। वो दीप प्रज्वलित होंगे जो विश्व कीर्तिमान रिकॉर्ड कायम करता हुआ नजर आएगा। ये पीछे की पूरी तस्वीर देखिए, इस वक्त कण कण में आपको राम ही राम नजर आएंगे। हालांकि अयोध्या का जिक्र जब भी होता है तो सबसे पहले राम नाम सर्वोपरि आता है, लेकिन फिलहाल ये जो उत्सव इस वक्त चल रहा है उसकी महिमा बिल्कुल अलग नजर आ रही है। हर तरफ आपको सिर्फ राम नाम की गूंज यहां पर सुनाई देगी, और पूरी तैयारियों में यहां पर वॉलंटियर्स जो हैं वो पूरे जद्दोजहद के साथ लगे हुए हैं, क्योंकि जानते हैं कल विश्व रिकॉर्ड कीर्तिमान जो है वो स्थापित होता हुआ नजर आएगा, और ये बताएगा जिसका डंका पूरे हिंदुस्तान ही नहीं बल्कि वैश्विक स्तर पर पड़ेगा। 2017 से लगातार यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ इस दीपोत्सव को मनाते आ रहे हैं, और हर बार पिछला जो रिकॉर्ड है वो टूटता है और एक नया रिकॉर्ड कायम हो रहा है। लेकिन इस बार लाखों दियों से जब अयोध्या नगरी जगमग होगी तो एक नया अध्याय लिखा जाएगा, और इस अलौकिक दिवाली को आप भी न्यूज 18 इंडिया के साथ मनाइए। अलौकिक अद्भुत दिवाली के कल होंगे दिव्य दर्शन, वो महादर्शन होंगे जिसे देखने के लिए यहाँ के लोग तो बेचैन है ही है, साथ ही साथ पूरा विश्व देखेगा कि आखिर अयोध्या की रोशनी से किस तरह से पूरा हिंदुस्तान यहाँ पर जगमगाता है। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं जो मैं आपको अपने पीछे के दिखाऊंगी। चारों तरफ ये वॉलंटियर्स भी देखिएगा, ये तैयारियां यहाँ पर कर रहे हैं, दिन रात जुटे हुए हैं ताकि विश्व कीर्तिमान स्थापित होने में जरा सी भी चूक यहाँ पर ना रहे। आज भले ही दीप प्रज्वलित यहाँ पर नहीं हो रहे हैं, लेकिन कल जो दिव्य दर्शन यहाँ पर दिखाई देंगे आप यकीन मानिए, क्योंकि हम अयोध्या में यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, यहाँ पर भी गूंज है, इन्हें कहा नहीं गया, लेकिन बीच बीच में राम नाम की ये गूंज यहाँ पर सुनाई देती है, क्योंकि ये उस जोश और जज्बे को आगे बढ़ाता है जो ये बताता है कि किस तरह से कल का इंतजार यहाँ पर हर कोई इंतजार कर रहा है। मेरे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ बने हुए हैं, पूरा जायजा उन्होंने यहाँ पर लिया और देखा कि पावन नगरी आखिर राम जन्मभूमि में किस तरह की तैयारियां हैं, किस तरह से लोगों के अंदर जोश है, आप भी देखिए। राम की नगरी अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं सरयू नदी के किनारे राम की पैड़ी पर, और यहीं पर दिव्य दीपोत्सव मनाया जाएगा। सबसे पहले तो हम आपको यहाँ की तस्वीरें यहाँ पर दिखा देते हैं कि किस तरीके से जो वॉलंटियर्स हैं वो लगातार यहाँ पर दिए लगाने का काम यहाँ पर कर रहे हैं। यहाँ पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं 9,51,000 दिए इस बार जलाए जाएंगे, और ये दिए हैं आप देख सकते हैं, दियों का सजाने का काम यहाँ पर लगातार यहाँ पर चल रहा है। और ये जो वॉलंटियर्स हैं विभिन्न कॉलेजेस संस्थाओं को मिला लिया जाए तो 14,000 से ज़्यादा वॉलंटियर्स होंगे जो लगातार इन दियों को सजाएंगे। दूसरी तरफ मैं आपको एक और तस्वीर यहाँ पर दिखाऊं तो देखिए, ये स्टेज पूरी तरीके से तैयार है, वीवीआईपी से यहाँ पर बैठेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ऊपर उस स्टेज पर बैठेंगे और दूसरे जो वीवीआईपी होंगे यहीं पर वो बैठेंगे। कई वॉलंटियर्स हैं, हम इनसे बात करते हैं। मैडम कहाँ से हैं आप? अवध यूनिवर्सिटी से हैं आप, पूरी तैयारी हो गई? बिल्कुल, बहुत अच्छे से, फाइन आर्ट्स के बच्चे हैं जिन्होंने ये आपका बना रखा है रिकॉर्ड ऑलरेडी, अभी ये फिगर में फिर से बना रहे हैं जो आपका 9,51,000 दिए 105 स्क्वायर फीट में जो है ये फिर से इमेज बना रहे हैं। राम दरबार इनका मुख्य जो है बेंचमार्क रहा है, उसे और बृहद कर रहे हैं, जिसमें केवट और सबरी का जो है दृश्यांश जो है दीपों द्वारा प्रज्वलित करेंगे। तो विश्व को रोशन करती राम नगरी की रोशनी जब देखने को मिलेगी तो यकीनन इतिहास के सुनहरे पन्नों में भविष्य की कहानी दर्ज होती नजर आएगी। और मेरे सहयोगी अमित सिंह भी हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, आप लोगों से बातचीत करते नजर आए, आपने पूरी तैयारियों का जायजा लिया, इस वक्त मैं भी राम की पैड़ी में मौजूद हूँ और देख सकती हूँ कि बस दियों में अब तेल भरने की और दीप प्रज्वलित होने की देरी बाकी है। हालांकि कल तक का इंतजार यहाँ पर करना होगा, लेकिन क्या कुछ राम नाम की गूंज सुनाई देती है, कितना अयोध्या राम की भक्ति में सराबोर हो गया है। देखिये सभी ना, इस वक्त मैं सरयू नदी के किनारे मौजूद हूँ, और सबसे पहले तो मैं तस्वीरें दिखा दूँ जरा दर्शकों को। देखिए, घाट के दोनों तरफ दिए यहाँ पर सजा दिए गए हैं, बस इंतजार है प्रज्वलित होने का, और हर कोई इंतजार कर रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पहुंचे और उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले वो नदी का वो आरती करेंगे, उसके बाद जो है दीप को प्रज्वलित करेंगे। तो ये वक्त होगा कल शाम का, सबसे पहले योगी आदित्यनाथ रामलीला मैदान में पहुंचेंगे और वहां पर वो रामलीला देखेंगे, देखने के बाद भगवान
राम का राज्य अभिषेक करने के बाद वो सीधे यहाँ पर पहुंचेंगे और आरती करने के बाद दीप प्रज्वलित करेंगे। मैं तस्वीरें यहाँ पर देखिए, लगातार जो वॉलेंटियर्स है वो लगातार काम कर रहे हैं, दीपों को सजाने का काम कर रहे हैं। 9,51,000 दीप इस बार प्रज्वलित किया जाएगा। अब मैं सीधे यहाँ पर वॉलेंटियर्स से बात करूंगा जो लगातार काम कर रहे हैं। आपके पास काफी ज्यादा आई कार्ड्स हैं, क्या करती हैं आप? मैं यहाँ पे टूरिज्म डिपार्टमेंट से भी हूँ और ABBP के से भी हूँ और मैं अपने यूनिवर्सिटी से भी हूँ। तो लगातार आप लोग काम कर रहे हैं यहाँ पर? हाँ सर, हम लोग कल भी किए थे जिसमें से कल थोड़ी मिस्टेक हो गई थी, तो हम लोग अगेन उसको कर रहे हैं। हमारे सारे वॉलंटियर्स लगे हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं खुद परेशान हूँ, हम लोग खुद सुबह से खाना भी नहीं खाया। ये जो आपने यहाँ पर दिए लगाए हुए हैं, ये कितने दिए हैं एक जगह पर? सर ये 14x14 का हम लोगों ने किया है, टोटल 196 है। पहले से आप लोग प्लान किए थे? जी सर, हम लोग को बोला गया था कि जो नोडल अधिकारी थे उन्होंने बताया है, शैलेंद्र वर्मा सर उन्होंने हम लोग इस तरीके से बताया। तो सवीना, कल तक 6,00,000 दिए सजा दिए गए थे, आज टारगेट था 6,00,000 से ज्यादा दिए सजा दिए गए थे, आज टारगेट था 3,00,000 से तकरीबन 3,00,000 दिए सजाने का, और ये टारगेट पूरा होता हुआ शाम तक दिख रहा है। आप तस्वीरों में यहाँ दर्शक लगातार देख पा रहे हैं कि किस तरीके से दिए सजाने का काम चल रहा है और नदी के दोनों तरफ इस तरीके से दिए सजाने का काम चल रहा है। ये बताइए क्या करते हैं आप? जी मैं फार्मेसी टीचर हूँ, फार्मेसी डिपार्टमेंट उर्मिला कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। कब से हैं आप यहाँ पर, कितने बजे से? बिल्कुल कल मॉर्निंग से। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि किस तरह की तैयारियां यहाँ पर हो गई हैं और तैयारियां भक्ति से सराबोर नजर आ रही है। और इस वक्त मैं राम की पैड़ी में मौजूद हूँ, यहाँ भी देखिए आपको दीप ही दीप प्रज्वलित अभी जो कल होंगे उससे पहले की तैयारी नजर आ रही है। और थोड़ा सा मैं चाहूंगी आप थोड़ा सा साइड हो जाइए, देखिए और दिए आए हैं। अभी तो दियों के आने का सिलसिला और लगाने का सिलसिला जारी है और ये सब एक ही नारे के साथ, राम के जप के साथ में कह रहे हैं जय श्री राम। और साथ ही देखिए ये तमाम दिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं जो कल प्रज्वलित होंगे। और इस बीच श्री राम के जो नारे हैं वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं, जो ये बता रहे हैं कि किस तरह से ये पूरा माहौल यहाँ पर राम भक्ति से सराबोर हो गया है। हालांकि अयोध्या के नाम से सीधा श्री राम की छवि सामने आती है क्योंकि वो आदर्श है, वो मिसाल है, वो कण कण में बसे हुए हैं। और इस बीच वहां भी आप देखिए पंकज, वहां भी दिखाइए आप, सिर्फ और सिर्फ आपको दिए ही दिए नजर आएंगे। और सोचिए वो कितना अलौकिक अद्भुत दृश्य होगा जब ये प्रज्वलित होते हुए नजर आएंगे, क्योंकि इंतजार बस इसी बात का है कि ये प्रज्वलित हो और क्योंकि ये मेहनत जो है वो कल विश्व कीर्तिमान स्थापित करती हुई नजर आएगी। तैयारियां यहाँ पर पूरी की गई है, सिक्योरिटी के लहजे से भी पूरी चेकिंग यहाँ पर की जा रही है, विशेष आई कार्ड के जरिए एंट्री दी जा रही है क्योंकि ये सारे वॉलंटियर्स हैं और लगे हुए हैं। मैं चाहूंगी वहां पर भी आप दिखाएं, बस थोड़ा सा साइड हो जाइए भैया, देखिए यहाँ भी पूरी तैयारियां हैं। पंकज देखो जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ और सिर्फ दीप ही दीप नजर आएंगे, ये वो दीप है जो कल विश्व कीर्तिमान स्थापित करेंगे। तो जय श्री राम के नारे से अयोध्या का कणकण जो है वो गूंज रहा है और इसी गूंज के साथ हम ये बता रहे हैं कि यहाँ पर जो शांत आपको ये राम की पैड़ी नजर आ रही है इस वक्त ये भक्ति से सराबोर हो चुकी है। सिक्योरिटी के पर्पज से आखिर क्या कुछ इंतजाम यहाँ पर हुए हैं वो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। अयोध्या में दिव्य दीपोत्सव की पूरी तैयारी कर ली गई है। इस वक्त हम मौजूद हैं अयोध्या के नया घाट के पास और यहाँ पर मैं आपको तस्वीरों के जरिए दिखाना चाहूँगा किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद हैं, ट्रैफिक पुलिस के जवान यहाँ पर मौजूद है, उत्तर प्रदेश फायर सर्विसेज यहाँ पर मौजूद हैं और ये सड़क ये पूरी तरीके से बैरिकेटिंग करके बंद कर दी गई है। आज कुछ गाड़ियाँ जरूर आ रही है, इमरजेंसी सर्विसेज की गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन कल से ये गाड़ियां भी नहीं होंगी। आप देख सकते हैं कि गाड़ियों को यहां पर रोका जा रहा है और पूरी तरीके से बैरिकेटिंग करके इस सड़क को बंद किया गया है। इसी सड़क पर आगे जो है रामलीला होता है और इधर सरयू नदी है, मेरे दूसरी तरफ यहां ये जो सड़क है ये सरयू नदी की तरफ जा रहा है, राम की पैड़ी की तरफ जा रहा है जहां पर दीपोत्सव होगा। और बताया जा रहा है कि 9,51,000 दिए इस बार जलाए जाएंगे, ये एक वर्ल्ड रिकॉर्ड होगा। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। और हमारे सहयोगी अमित हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अमित, जय श्री राम के नारे से गूंज रही है इस वक्त अयोध्या नगरी जो कि दुल्हन की तरह तो सजी ही हुई है, साथ ही जो दीप ही दीप है जहां तक नजर जाती है बस वही नजर आते हैं। और इंतजार यहां पर किस तरह से अयोध्या नगरी वाले कर रहे हैं कि कल वो ऐतिहासिक क्षण सामने आएगा जिसका वो इंतजार कर रहे हैं। अमित
जी हाँ सवीना, जब भगवान राम कहा जाता है कि जब भगवान राम रावण का वध करके वो अयोध्या पहुंचे थे तो पुष्पक विमान से, तो उस वक्त भी इसी तरीके से दिवाली मनाई गई, इसी दीपों से सजाया गया था पूरे अयोध्या को। ठीक उसी तरीके से दीपोत्सव के दिन भी, यानी कल जो है पूरा ये अयोध्या नगरी, आप सरयू नदी के दोनों किनारे आप देख सकते हैं किस तरीके से वॉलंटियर्स लगातार यहाँ पर दिया भी सजा रहे हैं। एक वॉलंटियर्स को 65 दिए सजाने का काम दिया गया है और 14,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स जो है वो यहाँ पर दिए जलाने का काम करेगा। और जितने भी वॉलंटियर्स एंटर करेंगे यहाँ पर उनको आई कार्ड दिया गया है, सुरक्षा के लिहाज से पुख्ता इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। देखिए जो वॉलंटियर्स यहाँ पर लगातार काम कर रहे हैं इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। जरा अपना चेहरा उधर करिए, ये बताइए कब से आप हुए हैं यहाँ पे? हम कल से हैं, कल से लगातार घर नहीं गए? नहीं, घर गए, रात में गए हैं, आज सुबह 6 बजे आए हैं। तो देखिए यहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं उनका साफ साफ ये कहना है कि रात में वो घर भी नहीं गए, लगातार वो काम कर रहे हैं। सवीना जी, अमित, बिल्कुल अमित, और अयोध्या का जो ये रोशनी भरा अध्याय है वो कल जब प्रज्वलित होगा तो विश्व कीर्तिमान तो स्थापित होगा ही होगा, और अयोध्या की जो नगरी है वो एक बार फिर से तमाम रिकॉर्ड्स तोड़ते हुए ये बता देगी कि भविष्य कितना उज्जवल है और राम की भक्ति पर सराबोर है। हमारी ये महा कवरेज लगातार जारी है, एक बहुत छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप सभी बने रहिएगा न्यूज 18 इंडिया के साथ, फौरन हाजिर होंगे।